प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। यह प्रश्न आपकी एग्जाम में लगभग 3 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग इस क्लास को पूरी ध्यान से सुनेंगे। किताब की भाषा शैली में आप लोगों को बहुत कम समझ में आएगा, इसलिए आप इस क्लास को सुने ताकि आप लोगों को यह इस प्रश्न का आंसर बहुत अच्छी तरह से याद हो सके और आप लोग अच्छे नंबर ला सके। शुरू करते हैं मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। अगर प्रश्न आ जाए तो उसका आंसर कैसे दें। देखिए, हमारे शरीर में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण अंग है और उस अंग का नाम है किडनी। तो मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि होती है वह कहां पर होती है? वृक्क में होती है। किसमें होती है? वृक्क। और वृक्क को क्या कहते हैं? किडनी भी हम कहते हैं। वृक्क को क्या कहते हैं? वृक्क को हम किडनी भी कह रहे हैं। और किडनी की एक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई पाई जाती है। किडनी में असंख्य संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयां पाई जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। जिसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नेफ्रॉन्स या वृक्काणु। इसका एक नंबर का प्रश्न इसके डायग्राम का आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नेफ्रॉन्स का की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र नामांकित चित्र बनाइए। एक नंबर का पूछ सकते हैं, नेफ्रॉन्स की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ये प्रश्न पूछ लेंगे आप लोगों से। तो नेफ्रॉन्स या वृक्काणु किसे कहते हैं? वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन्स या वृक्काणु कहते हैं। लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन्स कहते हैं। आगे बात समझ में। अब इन नेफ्रॉन्स में मूत्र का निर्माण कैसे होता है? तो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को हम 3 चरणों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 चरण कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट पे है गुच्छे निशंदन। याद रखेंगे ये शब्द जो होते हैं वो दुकान पर नहीं बोले जाते हैं, किताबों में ही मिलते हैं। विज्ञान की खास बात है गुच्छे निशंदन। पहला कौन सा हो गया? गुच्छे निशंदन। दूसरा है पुनरावशोषण। पुनरावशोषण, अगर ये शब्द आपको बोलने में दिक्कत कर रहा है, पुनरावशोषण की जगह आप पुनः अवशोषण भी लिख सकते हैं। पुनरावशोषण या पुनः अवशोषण ये भी लिख सकते हैं। रीएब्जॉर्प्शन, पुनरावशोषण की जगह क्या लिख सकते हैं? पुनः अवशोषण भी लिख सकते हैं। और तीसरा पद कौन सा है भाई? श्रवण। श्रवण या सीक्रेशन, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को हम 3 चरणों में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट गुच्छे निषंदन, नंबर 2 पुनरावशोषण और नंबर 3 श्रवण। ये तीनों बातें आप लिख लें। अब हम इन तीनों बातों को समझेंगे कि वास्तव में मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, दोनों बातें हो जाएंगी, उसमें आपको नेफ्रॉन्स का चित्र भी याद रहेगा और तीनों बातें मैं समझा भी दूंगा। देखिए, नेफ्रॉन्स का चित्र आपको बनाना है तो कैसे बनाना है? एकदम इजी। देखिए कैसे करेंगे। ये पहले तो आप जो अपने हिंदी वाला ये है, ये मिक्स कुछ नहीं, ये लिख देंगे। ठीक है, ये लिख दिया। ये लिखने के बाद इसको इस प्रकार से डबल कर देंगे। डबल कर दिया। अब यहां पर कुछ ऐसे आपके हिसाब से कुछ भी आप घुमा फिरा के एक स्ट्रक्चर बना दीजिए भाई। फिर आप नीचे ले आइए इसको। ठीक है, इस प्रकार स्ट्रक्चर बनने के बाद आप एक पतली नली आपको नीचे बनाएंगे, यू शेप में ले जाएंगे इसको इस प्रकार से। ठीक है, ये यू आकार का स्ट्रक्चर आपने बना दिया है और यू आकार का स्ट्रक्चर बना करके वापस इसको यू कर लीजिए, फिर वापस ऊपर ले जाइए।
इस प्रकार फिर इसको भी घुमा दीजिए आप, है ना। इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर बना दें और स्ट्रक्चर बना करके ये जो स्ट्रक्चर बना है वह किसका बन गया है, नेफ्रॉन्स की संरचना का। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया भाई, नेफ्रॉन्स की संरचना का बन गया है। और इसके अंत में आप इस प्रकार से कुछ एक सीधी नली का बना दीजिए, उसमें कई नेफ्रॉन्स जुड़ जाएंगे, ठीक है। यह है स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन्स का, और इसमें एक वृक्क से जो वृक्क धमनी जो है वह कई शाखाओं में बढ़ करके इसमें प्रवेश करती है, ये और इसमें प्रवेश करने के बाद ये कई शाखाओं में बढ़ जाती है और अंदर एक केशिकाओं का ये धमनी है, और धमनी जो होती है केशिकाओं का एक गुच्छा बनाती है इसको, जिसको क्या कहते हैं, केशिका गुच्छ। और केशिका गुच्छ जो होता है वह बाहर वृक्कीय अग्निवायी धमनी का के रूप में बाहर निकलता है। अंदर जो रुधिर वृक्क धमनी प्रवेश करती है शाखाओं में, कई शाखाओं में शाखित होकर के, इसको कहेंगे अपन अग्निवायी धमनी का। कौन सी धमनी का कहेंगे, अग्निवायी धमनी का, और इसको कहेंगे अपवाही धमनी का। इसको क्या कहेंगे, अपवाही धमनी का, ठीक है। अग्निवायी धमनी का ज्यादा चौड़ी होती है, ये देखो इसमें ब्लड ज्यादा जाता है, और अपवाही धमनी का थोड़ी सक्रिय होती है, इससे बाहर ब्लड कम निकलता है। इससे क्या होता है, यह जो केशिकाओं का जो गुच्छा बना है इसको क्या कहेंगे, अंदर केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ कहेंगे, गुच्छ है, गुच्छा भी बोल दो तो कोई खास बात नहीं है, केशिकाओं का गुच्छ कहेंगे। और केशिका गुच्छ या एक और इंग्लिश में नाम है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस कहते हैं इसको, ग्लोमेरुलस, ठीक है। यह है जो कप के आकार का जो स्ट्रक्चर है, इस कप के आकार के स्ट्रक्चर को कहते हैं बोमेन संपुट। क्या कहते हैं भाई, बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल, बोमेन संपुट, ठीक है। बोमेन संपुट और केशिका गुच्छ दोनों को मिलाकर के एक और शब्द काम में रहते हैं, मेल विधिकाय। क्या कहते हैं भाई, मेल विधिकाय कहते हैं। ये संरचना आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसका नेफ्रॉन्स का ये है बोमेन संपुट है, बोमेन कफ है, और ये केशिका गुच्छ है। बोमेन संपुट ये प्याला जो है कप के आकार का, और ये केशिका गुच्छ ये दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं, मेल विधिकाय कहलाते हैं। इसका नेफ्रॉन्स का ये कुंडलित भाग जो है, पहला कुंडलित भाग इस मेल वोमेन कप के पास का समीप का जो कुंडलित भाग है इसको कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नली का, समीपस्थ कुंडलित नली का, इसको क्या कहेंगे, समीपस्थ कुंडलित नली का कहेंगे। फिर ये यू आकार का जो पार्ट है नेफ्रॉन्स का, यह कहलाता है हेनले का लूप, हेनले का लूप, ठीक है। और ये जो वोमेन संपुट ये दूर जो कुंडलित नली का दिखा दे रही है इसको कहेंगे अपन दूरस्थ कुंडलित नली का, क्या कहेंगे, दूरस्थ कुंडलित नली का, दूरस्थ कुंडलित नली का कहेंगे, दूरस्थ कुंडलित नली का। अब बहुत सारे नेफ्रॉन्स है, सभी दूरस्थ कुंडलित नली का जो होती है, ये कोई इसमें खुल जाती है, इसमें खुल जाती है, फिर इधर भी और नेफ्रॉन्स खुल सकते हैं, तो ये सभी नेफ्रॉन्स का मूत्र एक्सिलेट करती है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, संग्राहक नली का, संग्राहक नली का जो होती है उसे कई नेफ्रॉन्स जुड़े होते हैं, इसको कहते हैं संग्राहक नली का, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स जो होते हैं उसके मुख्यतः दो भाग हो गए, एक तो वोमेन संपुट और दूसरी ये जो नली का है ना यहां से लेकर के यहां तक, इसको कहेंगे कौन सी नली का, वृक्क नली का। तो नेफ्रॉन्स के दो भाग होते हैं, एक तो वोमेन संपुट और दूसरा वृक्क नली का। वृक्क नली का दो तीन भागों में बांटते हैं, एक तो समीपस्थ कुंडलित नली का, यू आकार का भाग हेनले का लूप, और ये दूरस्थ कुंडलित नली का। अब इसमें मूत्र का निर्माण कैसे होता है वो हम समझेंगे। देखिए क्या होता है कि मूत्र का निर्माण होता है रुधिर के छानने से, और रुधिर के छानने के लिए क्या चाहिए, चालनी चाहिए। तो यहां पर वृक्क में चालनी कौन सी है, केशिका गुच्छ। क्या होती है, केशिका गुच्छ। ये कटोरा रख रखा अपने, ऐसा कटोरा रख रखा है, उसके ऊपर ये चालनी लगा दी है, इसमें रुधिर आएगा। तो अभिवाही धमनी का जो होती है
वह अवशिष्ट पदार्थों युक्त रुधिर लेकर के आती है। कौन सी धमनी का? अग्रवाही धमनी का। यह इसका व्यास अधिक होता है या अधिक चौड़ी होती है तो अवशिष्ट पदार्थों युक्त रुधिर लेकर के आती है। और इसमें रुधिर ज्यादा आता है, ज्यादा आने से क्या होता है, इसमें एक प्रेशर दबाव उत्पन्न होता है। दाब, कोई भी चीज छानते हैं ना तो या ऊंचाई से गिराएंगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, या ज्यादा एक साथ डालेंगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। नाले में भी अगर कुछ फंस जाता है तो ज्यादा पानी डालता है ना, तो ज्यादा मात्रा में पानी आएगा और उसका अपव्यय धमनी का क्या व्यास क्या होता है, कम, बाहर कम निकलेगा तो इसमें क्या प्रेशर पड़ेगा। इस प्रेशर की वजह से रुधिर जो होता है उसमें से अवशिष्ट पदार्थ सन करके किस में आ जाते हैं, एसी का गुच्छ में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? एसी का गुच्छ, सॉरी एसी का गुच्छ से सन जाएंगे, किस में आ जाएंगे? बोमेन संपुट में आ जाएंगे। बोमेन संपुट इस कटोरे में आ गए, यहां पर एसी का गुच्छ लगा हुआ था, रुधिर आया सन गया इस कटोरे में, इसको क्या कहेंगे, संपुट में, कैप्सूल में, बोमेन संपुट में अब वो सन्नित पदार्थ आ गए। अब बोमेन संपुट में अगर रुधिर सन गया तो उसमें कई चीजें आ जाती है, कौन कौन सी आ जाती है देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं, जो नाम लिख रखे हैं आपने लिख लिए होंगे वरना लिख लेना पीछे बैठ करके क्लास को देखिए। देखो जैसे कि अभिवाहिक धमनी का द्वारा अशुद्ध रुधिर इसमें आया तो इसमें प्रेशर पड़ा, प्रेशर से इसमें कुछ जो रुधिर छन गया और छने हुए रुधिर में जो पदार्थ निकले वो कौन कौन से, तो ग्लूकोज निकल गया, ग्लूकोज भी छन गया। नंबर दो, अमीनो अम्ल भी सन गए, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल भी सन गए। नंबर तीन, कुछ लवण भी इसमें सन गए और जो अवशिष्ट पदार्थ मुख्य अवशिष्ट पदार्थ था कौन सा, यूरिया, ये भी सन गए। कुछ आयंस जो थे वो भी इसमें, अच्छा यूरिया इसमें सन गया। तो ये पदार्थ क्या हो गए, कुछ लाभदायक पदार्थ, ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, लवण है, यूरिया आदि अवशिष्ट पदार्थ सन करके किस में आ गए, इस बोमेन संपुट में आ गए। आगे बात समझ में, बोमेन संपुट में आने के बाद इसको जो पदार्थ सना है इसको गुच्छीय निषंध कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, गुच्छीय निषंध, क्या कहेंगे भाई, गुच्छीय निषंध कहेंगे। गुच्छीय निषंध इसमें अगर आ गया, गुच्छीय निषंध की क्या खास बात है, यानी केसी का गुच्छ आपने हमारे जो नेफ्रॉन्स है उसमें कुछ पदार्थ छने तो छनने से उसमें कुछ लाभदायक पदार्थ भी छन गए, लाभदायक पदार्थ छन गए तो उसमें उन लाभदायक पदार्थों को वापस अवशोषित करना जरूरी होता है। तो ये जो छनने की जो प्रक्रिया है ना इसको तो अपन क्या कहते हैं, गुच्छीय निषंधन कहते हैं। कौन सा पहला पद हो गया ना क्लियर, पहला पद कहां पर हुआ, मूत्र निर्माण का। गुच्छीय निषंधन की जो प्रक्रिया है वो किसमें होती है, बोमेन संपुट में या केसिका गुच्छ में होती है। केसिका गुच्छ में रुधिर का छनना, रुधिर जब छना तो क्या हुआ भाई कि गुच्छीय निषंधन बना। गुच्छीय निषंधन में बहुत लाभदायक पदार्थों के साथ साथ हानिकारक पदार्थों के साथ साथ लाभदायक पदार्थ भी छन गए, जैसे एमिनो अम्ल है, ग्लूकोज है, लवण है, यूरिया है आदि पदार्थ भी छन गए। यूरिया हानिकारक पदार्थ है, बाकी के लाभदायक पदार्थ है, तो लाभदायक पदार्थ इसमें भी छन जाते हैं। तो अब क्या करेंगे भाई, अपना शरीर क्या करेगा, इन्हें लाभदायक पदार्थों को पुनः अवशोषित करेगा। इन पदार्थों युक्त जो निषंधन है, जो छना हुआ पदार्थ जब इसमें जाता है बोमेन संपुट से, इस समयपथ कुंडलित नलिका में जाता है, समयपथ कुंडलित नलिका से हेनले के रूप में जाता है और हेनले के रूप से फिर किसमें जाएगा, दूरस्थ कुंडलित नलिका में जाता है, ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का रूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका जो होती है ना वह तो कोई विशेष परिस्थिति में पानी का अवशोषण कर लेती है, वापस से पानी का अवशोषण वापस कर लेती है और ग्लूकोज एमिनो अम्ल आदि का अवशोषण भी इस वृक्क नलिका में वापस हो जाता है। तो ग्लूकोज भी वापस अवशोषित कर लेंगे अपन शरीर की आवश्यकता के अनुसार, एमिनो अम्ल भी वापस अवशोषित कर लेंगे शरीर की आवश्यकता के अनुसार, लवण भी हम वापस अवशोषित कर लेते हैं। इसमें इन लवण इन चीजों का लाभदायक चीजों का अवशोषण किसमें हो जाता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का रूप आदि में लाभदायक पदार्थों का पुनः अवशोषण हो जाता है। पानी का अवशोषण मुख्यतः कहां पर हो जाता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका में। अब लाभदायक चीजें तो वापस अपन ने ले ली,
लाभदायक पदार्थों का वापस से अवशोषण जो होता है वह ही पुनः अवशोषण कहलाता है। दूसरा पद बताया था ना मैंने, पुनः अवशोषण। तो पुनः अवशोषण में क्या है, लाभदायक पदार्थ जो छन जाते हैं उनका दोबारा से अवशोषण कर लिया जाता है। दोबारा से अवशोषण कौन करता है, कहां पर होता है, वृक्क नलिका में या इनके समीपस्थ कुंडलित नलिका, हे नलिका लू, इन दो स्थानों पर मुख्यतः लाभदायक पदार्थों का पुनः अवशोषण हो जाता है। और अगर आपके शरीर को पानी की भी और भी आवश्यकता है तो किसमें से अवशोषित कर लिया जाएगा, दूरस्थ कुंडलित नलिका में दोबारा से अवशोषित कर लिया जाता है। इस क्रिया को हम कहेंगे दूसरा चरण, जिसका क्या नाम था, पुनः अवशोषण। अब कई बार क्या होता है, तीसरा पद क्या है, श्रावण। श्रावण क्या होता है कि कई बार क्या होता है, कुछ पदार्थ छंदे नहीं है, छंदे नहीं है ना, तो उन पदार्थों को सीधे इनमें स्रावित किया जाता है, संहिनले के रूप में और दूरस्थ कुंडलित नलिका में इनको क्या कर दिया जाता है, स्रावित कर दिया जाता है, इन पदार्थों को सीधे छोड़ दिया जाता है, इन नलिका में वृक्क नलिका में सीधे स्रावित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार तीसरा पद पूरा हो जाता है श्रावण। जैसे कुछ दवाइयां प्रण लेते हैं वो छन नहीं पाती है ना, तो उसको इन इसे नेफ्रॉन्स में की वृक्क नलिका में स्रावित कर देंगे, जिससे अपने शरीर से वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर तो निषंदन हुआ, यहां पर पुनः अवशोषण हुआ। निषंदन और पुनः अवशोषण के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ इस वृक्क नलिका में बचता है, यह अवशिष्ट पदार्थ जो होता है वह कहलाता है मूत्र कहलाता है। वह क्या कहलाता है, मूत्र कहलाता है। यह मूत्र जो होता है वह संग्राहक नलिका में सभी नेफ्रॉन से मूत्र एकत्र होकर के संग्राहक नलिका के द्वारा जाता है। और संग्राहक नलिका जो होती है वह इसको कहां पर ले जाती है, यूरेटर्स में ले जाती है, मूत्र नलिका तक ले जाती है। मूत्र नलिका के द्वारा यह किसमें पहुंच जाता है, मूत्राशय में पहुंच जाता है। मूत्राशय में जो मूत्र जो है वो एकत्र हो जाता है, और जैसे ही अपना जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है उसकी ऐच्छिक तंत्रिकाएं जो होती है ना, वह इशारा करती हैं, उसको संकेत भेजती हैं, तो मस्तिष्क को, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जो तंत्रिकाएं संकेत जब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भेजती हैं, तो मूत्राशय जो होता है वह संकुचित हो जाता है, क्योंकि वे ऐच्छिक पेशी हैं, ऐच्छिक तंत्रिकाएं हैं, इसलिए वो क्या करते हैं भाई, ऐसी पेशियां से जुड़ी होती है मूत्राशय में, तो उसको मूत्र को क्या है, त्याग दिया जाता है। तो ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ऐच्छिक तंत्रिकाओं के माध्यम से जो प्रतिवर्त उत्पन्न होता है उसको मूत्रण रिफ्लेक्स कहते हैं, मूत्रण प्रतिवर्त कहते हैं। तो मूत्रण प्रतिवर्त के द्वारा मूत्र को समय समय पर शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में किसका निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण होता है। एक बार वापस से देखिए, सबसे पहले केशिका गुच्छ में रुधिर जो रुधिर है उसको छाना जाता है, छान किसमें, केशिका गुच्छ में। छानने के बाद, छानने से मैं जब जो छनित पदार्थ प्राप्त होता है उसमें कुछ लाभदायक पदार्थ भी आ जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, एमिनोमल है, लवण है, यूरिया है आदि उपयोगी पदार्थ भी आ जाते हैं। इन उपयोगी पदार्थों को इस वृक्क नलिका में दोबारा से अवशोषित किया जाता है। तो दूसरा चरण यहाँ पर पूरा हो जाता है, पहला चरण यहाँ पर पूरा होता है। दो चरण पूरा होने के बाद तीसरा चरण है श्रावण। जो पदार्थ केशिका गुच्छ में नहीं छन पाते हैं उनको सीधे वृक्क नलिका में श्रावित कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो भी पदार्थ श्रावित हो गए। ठीक है, तो परानिषंदन पुनरावशोषण तथा श्रावण के बाद जो दूरस्थ कुंडलित नलिका में जो बचा अपशिष्ट पदार्थ है वह क्या कहलाता है, मूत्र कहलाता है। और वो संग्राहक नलिका के माध्यम से यूरेटर्स में या मूत्र नलिका में पहुंच जाता है। मूत्र नलिका के द्वारा जो मूत्र है वह मूत्राशय में जाएगा और मूत्राशय से शरीर से बाहर संरचना पर त्याग कर दिया जाएगा। इस प्रकार हमारे शरीर में मूत्र निर्माण की क्रिया पूरी होती है। ठीक है, आप लोग बार बार पढ़ें, समझ में नहीं आए तो बताएं, दोबारा से हम समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।